नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, आइए नजर डालते। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कढ़ैया में गरम गरम पूड़ियां तली जा रही हैं। जी हाँ, ये है राजधानी के जोन एक का कम्युनिटी किचन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हम लोग आए हैं राजधानी के कम्युनिटी किचन में, जहाँ पर योगी सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं, आप देख रहे होंगे साफ स्क्रीन पर किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है और किस तरह से जो गर्मा गर्म खाना, ताजा खाना, जो गरीबों को एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है कम्युनिटी किचन द्वारा। यहाँ पे आप साफ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पैकिंग हो रही है, स्वच्छता को लेकर के यहाँ अहम लोगों की सोच है कि किस तरीके से स्वच्छ खाना लोगों तक के पहुंचे। तो आइए हम बात करते हैं सतीश रावत जी से और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा है। सतीश जी, ये बताइए कि क्या कहेंगे, जो कम्युनिटी किचन जब स्टार्ट हुआ था तब क्या संख्या थी और आज क्या संख्या है? कम्युनिटी किचन हमारा ये 27 मार्च को स्टार्ट हुआ था, उस समय करीब 3115 पैकेट पहले दिन गए थे और आज की डेट में करीब 8000 से 9000 के बीच में पैकेटों का डिस्पर्समेंट हो रहा है। तो क्या कहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर लोग अपनी जो सूचना देते हैं, किस प्रकार से आपको मिलती है खाना उनके तक पहुँचाने की? एक्चुअली किचन, ये कम्युनिटी किचन का कंट्रोल रूम पब्लिश हो चुका है पेपर में, तो पब्लिक उसी मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करती है कंट्रोल नंबर पर और जहाँ उसको ज़रूरत होती है अपनी गाड़ियों से नगर निगम उनको खाना पहुँचाता है। क्या क्या, यानी कि इस पैकेट में क्या क्या मिलता है जो खाने में पैक? इस पैकेट में मोस्टली एक दिन तो पूरी सब्जी होती है, फिर किसी दिन छोले चावल होते हैं, किसी दिन तहरी होती है, जैसा मेनू निर्धारित होता है सारी किचन का उस हिसाब से डेली बनता है। स्वच्छता जैसे कि काफ़ी कम्युनिटी किचन में दिख रही है, तो क्या यानी कि यहाँ पर रोज साफ सफाई और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल, डेली सैनिटेशन होता है, साफ सफाई होती है। अभी किचन का जब काम बंद होगा, पूरी धुलाई होगी, पूरा सैनिटेशन दोबारा होगा, तब दूसरे दिन काम शुरू होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश रावत जी, इन सब ने बात किया और जाना किस प्रकार से जो कम्युनिटी किचन का कार्य है। यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी कम्युनिटी किचन की, तो संख्या 3100 कुछ थी और आज वो बढ़ करके 9 से 10 हज़ार पहुँच चुकी है। लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से जागरूकता बढ़ती जा रही है कम्युनिटी किचन को लेकर के, मुफ्त खाने को लेकर के, जो खाने का यहाँ पर वितरण होता है निःशुल्क है, किसी भी तरीके का उसका शुल्क नहीं देना होता है। यहाँ पर आप स्वच्छता देख ही रहे होंगे किस प्रकार से लोग मास्क लगा करके और सारी चीज़ें करते हुए सब चीज़ें कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पैकिंग लगातार चल रही है। जैसे कि कम से कम 10 हज़ार लोगों का खाना जो नगर निगम द्वारा, जोन एक द्वारा यहाँ पे एक बड़ा गरीब लोगों को राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम आगे भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लॉकडाउन के चलते जो अहम कार्य यहाँ पे हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, किस तरीके से गरीब तबके के लोगों को सुविधाएँ पहुँचाने की सरकार की पहल लगातार जारी है। सहयोगी शिवम के साथ मैं अमित, लखनऊ से हंगामा टाइम।